आज की मतलब खूबसूरत मौके पे मेहंदी है आपकी, मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है, क्या कहते हाँ देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपने वालदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी देर से विश थी कि मेरी शादी हो जाए। मेरी भी यही थी कि मेरी उनकी मर्ज़ी से हो, तो अल्लाह की शुक्र है कि उनकी मर्ज़ी से हो रही है, जहाँ पे उन्होंने बोला है वहाँ पे ही हो रही है। तो ये देखें, ये ज़िंदगी का नया सफ़र है, मुझे नहीं पता, मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं आता कुछ है, ये नया सफ़र है। उम्मीद करती हैं, दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जो नई नया सफ़र है इसको भी अच्छे तरीके से गुजारे, जैसे मैं अपनी बैचलर लाइफ गुजारता आ रहा हूँ, इसको भी अल्लाह ताला अच्छे तरीके से गुजारे, मेरी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम। आपकी ये सिलेक्शन भी हो चुकी है माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के जो दौरा है, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें भी जो नया आने वाला मेहमान है ये उसी की कोई वजह है? देखिए जी, सारी दुनिया यही कह रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह को बेहतर पता है। तो वो बात ठीक है कि जो औरत होती है वो अपना रिश्ता साथ लेके आती है, औरत की वजह से इंसान की बड़ी जो है वो ज़िंदगी में और रास्ते खुलते हैं। लेकिन अभी तक मैं जो कहता हूँ, अभी तक हमारे जो इस्लाम में है, जब तक निकाह ना हो तब तक आपका नाम किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ जब उसका जब निकाह होगा तब नाम जुड़ेगा, तब हम ये चीज़ें हमें कहनी चाहिए, उससे पहले हम ये बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो बातें अभी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं ये कहते कि माँ बाप की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं। अभी सिर्फ रिश्ते की बात होती है, लोग फ़ौरन से उधर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि वो निकाह के बाद कहना चाहिए कि आपका रिश्ता ऐसे और ऐसे होता है। Ah!